पाकिस्तान में लाशों का अंबार, फिर भड़की शिया सुन्नी की आग। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त लाशों का ढेर लग गया है। पिछले एक हफ्ते में 76 मुसलमान हिंसा की आग में जल चुके हैं, जबकि कई अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। किसी को गोली मार दी गई, तो किसी को दौड़ा दौड़ा कर तब तक पीटा गया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया, तो किसी को उसकी झोपड़ी समेत जिंदा जला दिया गया। और हैरानी की बात ये कि पाकिस्तान में एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान का जानी दुश्मन बना बैठा है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी के विवाद ने भयावह हिंसा का रूप ले लिया है। नतीजा ये कि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान हिंसा की आग में खुद जल उठा है। खैबर पख्तूनवा प्रांत का कुर्रम इलाका तो हिंसा की राजधानी बन चुका है। यह शिया और सुन्नी समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से यहां लाशों का अंबार लग रहा है। मंगलवार को भी 3 लोग हिंसा की चपेट में आने के बाद दम तोड़ गए। गोजाघड़ी, मत्स्यनागर, मंडोरी, बागन जैसे इलाकों में तो लगातार दंगे हो रहे हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हिंसा के बारे में बताया कि चारों ओर से कभी भी कहीं भी गोलियां बरसने लगती हैं, आगजनी होने लगती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ होने लगती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कहीं दूर चले गए हैं, ताकि जब शांति वापस आएगी तो लौट आएंगे। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मुस्लिम एक दूसरे को मारने पर क्यों उतारू हैं? वे एक दूसरे के जाने दुश्मन क्यों बने हुए हैं? तो इसके पीछे वजह है जमीन का एक छोटा हिस्सा जो कुर्रम जिले में है। करीब 30 एकड़ के इसी जमीन के हिस्से पर कुर्रम जिले में रहने वाले 2 कबायली समूह अपना अपना दावा ठोकते रहते हैं। गुलाब मिली खेल का संबंध शिया समुदाय से है, जबकि मिटगी कुल्ले सुन्नियों से संबंधित है। समय समय पर इसी जमीन को लेकर ये दोनों कबीले एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, फिर बवाल होता है और मौत का तांडव मच जाता है। इससे पहले जुलाई और सितंबर महीने में भी दोनों के बीच जमकर संघर्ष हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए, मौतों की सेंचुरी लग गई। लेकिन पाकिस्तान के शिया और सुन्नी मुसलमान मानने को तैयार नहीं।